जमाल अथर रोमी आरजेडी नेता की जो मृत्यु आकस्मिक मृत्यु हुई डीएमसीएच में और उनके परिवार के साथ मारपीट किया गया, उसको लेकर के आज आप डीएम से मिलने के लिए गए थे, क्या बातचीत थी? असल में हुआ क्या कि हम लोग जमाल अथर रोमी बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार, बहुत साफ़ सुथरा छवि का लड़का था। उसकी शख्सियत हम लोगों के बीच में एक अच्छे नेता के रूप में उभर रही थी। जब ये घटना हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग इसके लिए जिला प्रशासन से, हमने अपने नेता माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से पटना कॉन्टेक्ट किया। उन लोगों ने के ऐसी ऐसी बात हो गई है, जमाल अथर रोमी के साथ ये घटना हो गया है, वो इंतकाल कर गया है, जो हमारी बातचीत हुई। तब उसके बाद उन्होंने वो वहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं पटना के, चंचल कुमार हैं, बहुत सारे जो आला अधिकारी हैं, उन लोगों से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और उसके बाद दरभंगा के सारे पदाधिकारियों को उन्होंने प्रेशर डाला। उसके बाद आनन फानन में इन लोगों ने पहले तो ये कहा कि इसको कोरोना है, फर्स्ट रिपोर्ट में भी कोरोना नहीं आया। दूसरा, उसके बाद इन लोगों वहाँ के जो डीएमसीएच के जो लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जिनको मानवता की सेवा करने के लिए ही वो हुए हैं, क्योंकि अगर हम सियासत में हैं तो हमारा काम होता है समाज की सेवा करना, न कि हमारा काम ये नहीं होता कि मैं समाज के दबे कुचले या जो भी लोग आवे उनके साथ दुर्व्यवहार करना। लेकिन डीएमसीएच की जो घटना हुई कि जब वह परिजन, वो लोग ये कहने लगे कि हमारे साथ ऑक्सीजन की दीजिए, तो उनको ऑक्सीजन उसके नाक से जब के नाक से निकाल दिया, जब वो कराहने लगे तब उसके परिवार के जब लोग गए तो देखा ऑक्सीजन निकला हुआ है। उन लोगों ने जब इसके लिए डॉक्टर से और सारे लोगों से जब इस बात के लिए कहा कि ये बहुत ऑक्सीजन लगाइए, अगर नहीं आपसे संभल पाता है तो हमको दीजिए, हम लोग लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जब इन लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, क्योंकि ये मानवता होता है कि जिसके घर से बच्चा मरता है तो थोड़ा सा आह चिल्ला रिकॉर्ड करता ही है। उसके बाद वहाँ के जो डीएमसीएच के जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने 15-20 गुंडा मंगा करके इनके मुश्किल से, ये लोग 3-4 आदमी थे, इन लोगों को 3-4 आदमी को बड़ी बुरी तरीके से मारा, जिसका हमारे पास वीडियो उसका प्रूफ है कि इन लोगों ने क्या क्या व्यवहार किया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। जो ये शर्मसार करता है डीएमसीएच की इस घटना पर, हम लोग जब इसके लिए प्रेशर माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा जब जिला प्रशासन पर दिया गया तो इन लोगों ने आनन फानन में एक जाँच कमेटी गठित कर दिया। लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा अपनी विफलता को छिपाने के लिए अगर जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी पर हमको विश्वास नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी जज के द्वारा जो न्यायिक जांच के जरिए उसका इंसाफ हो कि ये वो परिस्थिति जब उसके पास कोरोना नहीं था, उसके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया गया और एक कोरोना की बीमारी की हैसियत से उसके साथ बीमार यहाँ किया गया। अगर कोई कोरोना का बीमारी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशासन उसका इलाज नहीं करे, क्योंकि ये अगर ये छुआछूत की बीमारी है तो आप ऐसा इलाज मत कीजिए। आप डॉक्टर किस बात के लिए हैं? आपके यहाँ बड़ी उम्मीद से लोग आता है ये सोच करके कि दरभंगा डीएमसीएच हम जा रहे हैं जहाँ हमारा इलाज मुकम्मल होगा, हम वहाँ बच के निकलेंगे। लेकिन वहाँ तो लोग इसलिए अब जाते हैं डीएमसीएच में, इस 15 साल की सरकार में, कि डीएमसीएच में जाने का मतलब है कि अपने मौत को दावत देना। वहाँ का जो व्यवस्था है, क्योंकि कल तो रूमी के साथ हुआ, उससे पहले एक प्रोफेसर के साथ हुआ, ये मधुबनी के बेचारे प्रोफेसर साहब थे, उनकी बच्ची रो गलप के कह रही है कि मेरे बाप को जो है सो ऑक्सीजन लगा दो। लेकिन वहाँ ये तो ऐसा कुव्यवस्था हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी सरकार 15 वर्ष की सरकार में ऐसा कभी हमने नहीं देखा जो अब डीएमसीएच में हो रहा है। और इसके लिए हम लोग कलेक्टर से मांग करते हैं कि आप इसको न्यायिक जांच एक जज के द्वारा करवाइए, ताकि जो 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 सही हो सके, जो इंसाफ मिल सके वो उसको इंसाफ मिल सके। जो लोग लाठी डंडा से मार किए हैं
उनको भी उसका पनिशमेंट मिल सके, वहाँ फोटेज सीसीटीवी कैमरा है उससे फोटेज लेकर के जो सही हो दूध का दूध और पानी का पानी इसका इंसाफ हो सके, इसके लिए हम लोग आज डीएम से मिले थे। डीएम ने क्या कहा? डीएम इत्तफाक से जब हम लोग गए वहाँ मिलने तो डीएम कोई बांध था क्यूटी में वो टूट गया था, वो वहाँ चले गए, वो बोले कि आज हमारी मुलाकात आपसे नहीं हो पाएगी, कल इंशाल्लाह आपसे हम कल आपसे हम लोग की मुलाकात होगी। लेकिन डीएम साहब को भी ये लगता है कि हमने तो जांच कमेटी कह दिया और जांच कमेटी से जो है सो लीपापोती करने का मनसा लगता है, क्योंकि प्रशासन जो है आज बिहार में जो हेल्थ का मामला है, लचर व्यवस्था है, ये सरकार जो है सो हर मामले में फेल्योर है। कहीं लोग वेंटिलेटर पर नहीं मिल रहा है, कहीं किसी पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, माने हालत यह है कि कोरोना के नाम पर हर जगह लूट और खसोट मचा हुआ है और ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रशासन पर अपना एक खेल खेल रही है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ में चरणबद्ध आंदोलन, अगर सरकार सिर्फ एक रूमी का मामला नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार में दरभंगा भी एक DMCH एक अपनी हस्ती रखता है जहां लोग इलाज के लिए आते हैं, बड़े उम्मीद से आते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वहां की जो व्यवस्था है वहां सिर्फ लूट खसोट है और उसके खिलाफ में हम लोग का ये आंदोलन आने वाले दिनों में, कल के बाद कल DM से मैं मिलूंगा, कल फिर जाकर के मैं रूमी के परिवार से मिलूंगा, परसों से हम लोग का जो कार्यक्रम है पुतला दहन करना बिहार सरकार के खिलाफ में, हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ में, इसके बाद जो धरना प्रदर्शन जो सारा चीज़ है वो हम लोग करने वाले हैं। और ये सरकार को ये चता देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि ये जो आप जो भ्रष्ट नीति की सरकार है, आपकी जो सोच है, जो बिहार सरकार को जनता को ठगने का काम करते हैं, उससे आप उभरिए और जनता को सही रास्ता दिखाइए। कोरोना के नाम पर जो आप बिहार की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, उसको अपने राम भरोसे जीने का काम कर रहे हैं और इश्तिहार दे रहे हैं कि मैं उनकी व्यवस्था कर रहा हूं, उनके जीने के लिए, उनके इलाज के लिए मेरा मुकम्मल इलाज है, तो वहां भ्रष्टाचार का एक बोलबाला और अड्डा बना हुआ है। ये लड़ाई हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, हमारे बड़े नेता द्वारा, सारे लोग इसमें मिल करके सक्रिय भूमिका निभाएंगे और इंशाल्लाह मैं दरभंगा की सरजमीन पर सदन जमीन से लेकर के सदन तक जहां तक हो सकेगा हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और रूमी को जहां तक है उसका इंसाफ मिलेगा। आपका नाम सर? गुलाम हुसैन चीना, राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ।